नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें हमने 25 महत्वपूर्ण हिंदी के प्रश्न लिए हैं जो कि आपके स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और राजस्थान जूनियर असिस्टेंट के लिए जो कि हिंदी में उस वाला सिलेबस रहेगा तो उसके लिए बेहद लाभकारी होगा और आने वाले सभी एग्जाम के लिए लाभकारी रहेगा। तो आप लोग इसका प्रैक्टिस करिएगा और कमेंट में बताना कि आपको इसमें से कितने क्वेश्चन आ रहे थे। पीडीएफ इसका दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ गद्यांश दिया गया है, निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित को ध्यान से पढ़िए और इसके आधार पर प्रश्न संख्या एक और दो का उत्तर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा गद्यांश दिया है, गद्यांश को आप पढ़ना है, आपको पढ़ना है और उसी के यहाँ पे आपको यहाँ पे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, तो गद्यांश यहाँ पे देखिए दिया गया, हम थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे इसको। साहित्य का आधार जीवन है, इसी नींव पर साहित्य की दीवार खड़ी है, उस पर अटारियाँ मीनार गुंबद बनते हैं, उन्हें देखने को भी जी नहीं चाहेगा। जीवन परमात्मा की सृष्टि है, इसलिए सुबोध सुगम तथा मर्यादाओं से परिमित है। जीवन परमात्मा को अपने कार्यों का जवाब दे है, इसको पढ़कर ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें केवल आध्यात्मिक बातें कही गई हैं। ठीक है, इसीलिए इसके लिए कानून है जिनसे वह इधर उधर नहीं हो सकता। जीवन उद्देश्य ही आनंद है, मनुष्य जीवन पर्यंत आनंद की खोज में लगा रहता है। किसी को वह रत्न द्रव्य में मिलता है, किसी को भरे पूरे परिवार में, किसी को लंबे चौड़े भवन में तथा किसी को ऐश्वर्य में, किंतु साहित्य का आनंद इस आनंद से भी ऊंचा है। तो पहले प्रश्न का आंसर यहीं पे देखिए निकल रहा है, उसका आधार सुंदर और सत्य है, वास्तव में सच्चा आनंद सुंदर और सत्य से मिलता है। आगे भी पढ़ लिएगा आप लोग, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, यहाँ पे दो लाइन और पढ़ना है। यहाँ पे दोस्तों अगर ऐसे गद्यांश आए तो गद्यांश पढ़ने से पहले आपको एक बारी प्रश्न पढ़ लेना है, ताकि जब आप प्रश्न पढ़े रहेंगे तो जैसे ही गद्यांश आप पढ़ते जाएंगे उसका आंसर अपने आप आपको मिलता जाएगा। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, सबसे ऊँचा आनंद वह होता है जो कहाँ से प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि साहित्य का वह आनंद सबसे ऊँचा होता है, कौन सा आनंद होता है जो प्राप्त होता है यहाँ पर साहित्य से, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर देना। अगला क्वेश्चन है, सच्चा आनंद किससे मिलता है। पहले में था सबसे ऊंचा आनंद, यहाँ पे है सच्चा आनंद किससे मिलता है। क्वेश्चन नंबर दो, सच्चा आनंद किससे मिलता है, तो सच्चा आनंद जो मिलता है वो आपका सुंदर और सत्य से मिलता है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, सुंदर और सत्य से मिलता है, गद्यांश में साफ साफ लिखा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए हंस एक पत्रिका है, इस पत्रिका के संपादक कौन थे ये आपको बताना है। हंस पत्रिका के संपादक कौन थे ये आपको बताना है, तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, हंस पत्रिका के संपादक कौन थे, प्रेमचंद। किसने लिखा था, प्रेमचंद, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, हंस पत्रिका के संपादक प्रेमचंद थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है कि गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है। चार ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन बोलेंगे वीडियो लंबा होगा, हम लोग कम समय में जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है, और कमेंट करके आप लोग जरूर बताना कितने क्वेश्चन इसमें से आपको आ रहे थे 100%। क्वेश्चन नंबर चार, गाजीपुर में बिल्कुल सही, भोजपुरी बोली जाती है, ऑप्शन भी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए खिड़की किस प्रकार का शब्द है, खिड़की शब्द जो है वो किस प्रकार का शब्द है ये आपको बताना है। खिड़की किस प्रकार का शब्द है, खिड़की जो है वो देशज शब्द है, देशज की कैटेगरी में आता है, ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए टेस्टिमोनियल का हिंदी में अनुवाद क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, इसका अनुवाद हो जाएगा, क्या होता है इसका, मतलब होता है प्रशंसा पत्र, इसका अनुवाद होता है प्रशंसा पत्र, यानी कि भेंट या विवरण, उपहार तथा प्रशंसा पत्र कुछ भी कह सकते हैं आप, यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वधु का बहुवचन बताना है आपको, यहाँ पे वधु का बहुवचन शब्द बताना है कौन सा होगा। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, फटाफट सोचिएगा वधु का क्या हो जाएगा बहुवचन, वधु का होगा वधुए, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर आंसर होगा, वधुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाह वासेवट जो होता है वा का उच्चारण स्थान क्या है ये आपको बताना है, वा का उच्चारण हम कहाँ से करते हैं ये आपको बताना है, इसका उच्चारण स्थान क्या है, इसका उच्चारण जो है वो आपका दंतोष्ट यानी दांत और ओष्ठ से करते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, दांत और ओष्ठ से करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे कहावत दिया गया है कि बैल न कूदे कूदे तंगी। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, बैल न कूदे कूदे तंगी, इसके लिए अप्रोप्रिएट शब्द क्या होगा, अप्रोप्रिएट अर्थ क्या निकलेगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए चारों ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, यानी कि स्वामी के बल पर सेवक का साहस, बैल न कूदे कूदे संग, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यपाल में कौन सा संज्ञा है, राज्यपाल में कौन सा संज्ञा है ये आपको बताना है। जातिवाचक है कि व्यक्तिवाचक है, भाववाचक, समूहवाचक, कौन सा संज्ञा है ये आपको बताना है। तो राज्यपाल में जो है जातिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद है, अधिसूचना का अगर अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे तो उसको क्या बोला जाएगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11, अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद क्या होता है, नोटिफिकेशन, क्या होता है, नोटिफिकेशन होता है, ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, इसमें धड़ाधड़ शब्द आया है तो धड़ाधड़ शब्द का कौन सा रूप है, धड़ाधड़ शब्द जो है वो शब्द का कौन सा रूप है ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, कौन सा रूप है, धड़ाधड़ यहाँ पे क्रिया विशेषण का काम कर रहा है, यहाँ पे ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा, क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, राम ने खाना खाया में खाया होगा में कौन सी क्रिया है ये आपको बताना है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो अभी लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन है, राम ने खाना खाया में खाया होगा में कौन सी क्रिया है ये आपको बताना है। ठीक है, तो खाया होगा में क्या है, यहाँ पे खाया होगा यानी संदिग्ध भूत है, कौन सा है, संदिग्ध भूत, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे क्या कहते हैं ये बताना आपको। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ देता हूँ कि जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पे क्या कहते हैं उसको बोलते हैं निपात, क्या बोलते हैं निपात, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, निपात। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए दिया गया है कि प्रसारण का विलोम बताना है आपको, क्या बताना है, प्रसारण का विलोम बताना है। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, प्रसारण का विलोम बताइएगा फटाफट, क्या हो जाएगा, प्रसारण मतलब विस्तृत होना, तो प्रसारण का हो जाएगा आकुंचन, क्या हो जाएगा आकुंचन, यानी कि ऑप्शन सी जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है ये आपको बताना है। कोई कैसा सर्वनाम है, कोई आ रहा है मतलब जो भी आ रहा है उसके मतलब कौन आ रहा है ये पता नहीं है, यानी ये अभी अनिश्चय बना हुआ है कि कौन आ रहा है, यहाँ पे कैसा सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपको शुद्ध वर्तनी बताना है, शुद्ध वर्तनी किसका बताना है, शमशान का। ठीक है, जो शमशान घाट होता है उसी का शुद्ध वर्तनी बताना है कि शमशान का शुद्ध वर्तनी क्या होगा, तो शमशान का जो शुद्ध वर्तनी होता है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पे आपको सभा का पर्यायवाची शब्द बताना, नहीं सॉरी, सभा का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है, दिए गए ऑप्शन में से ये छांटना है कि कौन सा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, कभी आते हुए क्वेश्चन ऐसे हम लोग गलत कर देते हैं कि उसमें हम पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते, बस सभा देख लिए, पर्यायवाची देख लिए, बस तुरंत ऑप्शन पर पहुँच जाएंगे, तो यहाँ पर बताना कि कौन सा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, तो यहाँ पर हो जाएगा सभा का पर्यायवाची सम्मिलित नहीं है, बाकी सब है। ठीक है, सम्मिलित जो है वो सभा का पर्यायवाची नहीं है। सभा का पर्यायवाची अधिवेशन होता है, संगीत, परिषद, बैठक, महासभा इत्यादि होता है, लेकिन सम्मिलित सभा का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हथियाना में कौन सी क्रिया है ये आपको बताना है, हथियाना में कौन सी क्रिया है, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, क्रिया आपको बताना है कौन सी क्रिया है, तो सही जवाब हो जाएगा हथियाना में है नाम धातु, ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर होगा, नाम धातु क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भूधरो का संधि विच्छेद आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20, भूधरो का संधि विच्छेद बताना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, भूधरो का हो जाएगा आपका भू प्लस ऊर्ध्व, क्या हो जाएगा, भू प्लस ऊर्ध्व, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे आपका आंसर होगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भरोसे में शब्द का रूप है, भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है ये आपको बताना है। भरोसे शब्द में शब्द का कौन सा रूप है, चार ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है। कौन सा रूप है भरोसे में, है आपका संबंध बोधक, ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर होगा, संबंध बोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है, जो आगे विराम चिन्ह लगाया यानी इक्वल जो लगा है, बराबर का जो सिंबल बना है, ये चिन्ह किस में प्रयुक्त होता है या किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। इसका प्रयोग होता है तुल्यता सूचक के रूप में, किस में होता है तुल्यता सूचक के रूप में होता है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा ये आपको बताना है। उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, उच्चारण का हो जाएगा, फटाफट जवाब दीजिएगा, कमेंट में जरूर बताना कि कितने क्वेश्चन इसमें से आपको आ रहे थे, और अपने सुझाव भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा ताकि हम और कुछ बेहतर कर सकें। उच्चारण का संधि विच्छेद यहाँ पे आपको बताना है क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी उत्धनचारण, उच्चारण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाक का बाल होना इस मुहावरे का अर्थ बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 24, नाक का बाल होना इस मुहावरे का अर्थ बताना है, चार ऑप्शन आपके सामने है। क्या हो जाएगा, नाक का बाल होना मतलब अकारण प्रिय होना, ठीक है, क्या होगा अकारण प्रिय होना, ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा, और इसका संक्षिप्त आंसर भी आपको मिल जाएगा, पीडीएफ भी आपको उपलब्ध हो जाएगा टेलीग्राम पे। यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करने पर सही उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। 30 सेकंड का समय है, फटाफट जवाब दीजिएगा। चार ऑप्शन आपके सामने है, वह पंडित है किंतु हठी है, वह पंडित है वह हठी है, पंडित होने के कारण वह हठी है, पंडित होते हुए भी वह हठी है, ठीक है, सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे, वह पंडित है कौमा किंतु हठी है, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। और पीडीएफ इसका आपको दोस्तों टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अगर आप हमारे लिंक से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप टेलीग्राम इंस्टॉल करके उसमें स्टेनो गुरुजी सर्च करेंगे तो आप हमारे लिंक से सीधा जुड़ जाएंगे। यहाँ पे देखिए संक्षिप्त आंसर भी इसका दिया गया है, ठीक है, और आप लोग इसको पीडीएफ भी डाउनलोड करके मिला लेना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में मैंने बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।